अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। ये घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र के देव तालाब मंदिर का है, जहां करंट की चपेट में आने से एक दर्जन से भी ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। बता दें कि आज सावन का चौथा सोमवार होने के चलते काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अचानक दर्शनार्थियों पर एक बिजली का तार टूट कर गिर गया, जिसकी वजह से कई सारे श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। हालांकि घायलों की स्थिति बताई जा रही है, सामान्य किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं आई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना की जानकारी मिलते ही जिले के SDM साथ ही क्षेत्र के तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे। हाँ, देव तालाब में एक हादसे की जानकारी मिली बिजली के करंट से, और उसमें कुछ उसके करंट के कारण कुछ भगदड़ भी मची। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आज सोमवार का दिन था और प्रसिद्ध मंदिर देवतलाव में आज सोमवार के दिन तमाम दर्शनार्थी लोग जाते हैं, तो उस भगदड़ को लेकर के अभी SDM वहाँ पहुँच गए हैं, हमारे यहाँ के तहसीलदार वहाँ पहुँच गए हैं, कलेक्टर भी रीवा से चल दी हैं, रास्ते में पहुँच रहे हैं, मैं भी यहाँ अस्पताल में आ गया। प्रथम दृष्टा हमें सबको अस्पताल में ट्रीटमेंट अच्छा हो सके तो नई गढ़ी का अस्पताल, देवतलाव का हॉस्पिटल और मऊगंज के अस्पताल चिन्हित किए गए हैं कि तत्काल इसमें और इमरजेंसी में, आपने देखा होगा सब सुविधाएं बिस्तर और सब लगा करके इमरजेंसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अभी तक 5 लोग इस अस्पताल में आ चुके हैं मऊगंज में, हो सकता है रास्ते में और लोग हैं। 12 लोगों की सूचना वहाँ से भेजने की अभी आई है, तो एम्बुलेंस से यहाँ आ रहे हैं, हमारे BMO साहब भी लगातार एम्बुलेंस भेज करके और लोगों को मंगा रहे हैं। अभी नई गढ़ी में जो मैंने अभी बात की है, तो अभी नई गढ़ी में लोग नहीं पहुँचे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। फिर भी हम सब लोग अलर्ट होकर के और अस्पतालों में पूरी व्यवस्था रखना चाहिए, और मैं भी वहाँ निकल रहा हूँ, देखता हूँ कि और क्या क्या ज़रूरत होगी तो सब व्यवस्थाएँ की जाएंगी। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद।